रंजिश के चलते कांग्रेस नेता के बेटे ने कुछ लोगों से मारपीट की है, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मामले में लोरमी पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया है। घटना सरई पतेरा गांव की बताई जा रही है, जहां पर डिंडोरी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लखन कश्यप के बेटे दशरथ ने शराब के नशे में महिलाओं सहित कई लोगों की लाठी डंडों से पिटाई की थी। हमले में 4 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लखन कश्यप का लड़का है, लड़ाई वो मेरे को कुछ मतलब नहीं जानता, मैं कैसा है अचानक आके हमला किया सीधी। मौजूद थे उत्तर समय तो ललित था और उसको बीवी था और 2-4 था उस समय, वो 5-6 जो भी बीच में आता था उसको मारता था। इनके द्वारा 2 आदमी है, ये दशरथ कश्यप एवं एक अन्य उनके साथी है। दूसरे दोनों का काउंटर केस है सराई पतेरा का, जिसमें ललित कश्यप, परमेश्वर कश्यप, बबलू सराई पतेरा का आरोपी है। इनके विरुद्ध अपराध कायम किया गया है थाना लोरमी में, विवेचना जारी। सतना जिले के